रुख कर लेते हैं लौह नगरी जमशेदपुर का। जमशेदपुर में आज क्या कुछ रहेगा खास, जमशेदपुर में क्या कुछ रहेगी दिन भर की बड़ी गतिविधियां, जमशेदपुर में कैसा होगा मौसम का मिजाज, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता लाला जबीन का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। लाला जबीन, शुरुआत करेंगे तो हमारे साथ जमशेदपुर से हमारी संवाददाता लाला जबीन जुड़ी हुई है और सीधे उनका रुख करते हैं। अब लाला जबीन, शुरुआत करेंगे मौसम की अपडेट के साथ, आज लौह नगरी में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज और इसके अलावा क्या कुछ रहने वाली है दिन भर की बड़ी हलचल। नवीन, फ्राइडे मॉर्निंग के साथ मैं हाजिर हूँ और हर खबरों से कराऊंगी आपको रूबरू और हर खबरों को यहाँ पर मैं दिखाऊंगी। पहले शुरुआत करती हूँ मौसम से। तो मौसम की बात करें तो लगातार जो है मौसम के जो है तापमान में गिरावट आते जा रहा है, जिससे जो लोगों को यानी ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वहीं पे बता दूं कि जो झारखंड शिक्षा विभाग जो है उसको यहाँ पे सभी स्कूलों में, चाहे वो गैर सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सभी को 26 से 31 तारीख तक बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इस ठंड की वजह से इस तरह जो है आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन अब मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात यह होती है कि और कोल्हान को जो है 11 लाख का जो है आपदा राहत की राशि दी गई है ठंड को लेकर के। और ये जो राशि दी गई है वो प्रशासन को दी गई है ताकि वो जगह जगह पे जिस तरीके से ठंड से राहत दिला पाए, जो यहाँ पे सभी जगह आग की व्यवस्था की जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन किया जाएगा। तो फिलहाल जो पूरे कोल्हान को 11 लाख की जो है यहाँ पे राहत कोष दी गई है ताकि यहाँ पे जो गरीब जो है किसी भी तरीके से ठंड से राहत दिलवाया जा सके। तो मौसम जो है लगातार अभी में है, मौसम में गिरावट आते जा रहा है और अभी कुछ दिनों तक इस तरह को ठंड की जो मार है वो झेलनी पड़ेगी। नवीन, फिलहाल अब मैं रुख करती हूँ पॉलिटिकल के तरफ। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले दिन जो है औद्योगिक नगरी की घोषणा के बाद जो है ये मामला गरमा रहा है, क्योंकि जो पूर्व मंत्री और सह विधायक जो है सरयू राय, उन्होंने सरकार के मंशा पर ही जो है सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, अगर मंशा ठीक रहती तो वो हर एक जो मुद्दा था उस पर वो चर्चा करते, तभी जाकर के इसकी घोषणा जो है कैबिनेट में करना चाहिए था। लेकिन ये बिना कुछ सोचे समझे कैबिनेट में है, तो ये काफी दिक्कतों का सामना आगे लोगों को करना पड़ सकता है। काहे कि लगातार जो है विधायक और पूर्व मंत्री जो बना सरयू राय ने आवाज उठाई है 86 बस्ती को लेकर के। तो 86 बस्ती में जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला दिया है उसमें काफी दिक्कतों का पड़ सकता है। काहे कि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार ना मिलेगा, इस तरीके की बातें कही है और वो सीधे तरीके से वो राज्यपाल से मिलने चले गए हैं और उनका कहना है कि राज्यपाल इस मामले को खुद देखें और इसमें किसी जो भी है जो हस्तक्षेप हो सकता है इसमें वो अपनी तरीके से अपने स्तरीय पे वो जांच करवाएं, तभी जाकर के इस फैसले को जो है आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने अब सरकार के जो मंशा पे सवालिया निशान बना दिया है, कहीं ना कहीं ये मामला और गर्माएगा, क्योंकि कल वो राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल से मिलकर इस मामले की चर्चा की गई है। नवीन, और फिलहाल और मैं बातें पे करती हूँ कि आज जो है हर कई स्कूलों में देखा जा रहा है कि जो क्रिसमस सेलिब्रेशन का यहाँ पे किया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पे कई एल्बम जो है, जो भोजपुरी एल्बम है, कई गाने हैं वो यहाँ पर आज जो है यहाँ पे उसे लाया जाएगा। कई ऐसे कलाकार हैं जिनके जो यहाँ पर भोजपुरी गाना गाए हुए हैं उन्हें आज यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सुबह दोपहर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो जमशेदपुर में गतिविधियां आज काफी तेज हैं, यानी फेस्टिवल को देख करके सेलिब्रेशन जो हर स्कूलों में किया जा रहा है तो काफी अच्छा यानी यहाँ पे आज देखने को मिलेगा, शहर गुलजार रहेगा। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि नवीन आज ये सारा मामला सामने आ रहा। वहीं अब खेल की तरफ रुख करते हैं तो जमशेदपुर में गोल्फ टूर्नामेंट चल रहा है, आज दूसरा दिन है गोल्फ टूर्नामेंट का और बेल्डी और गोलमुरी दोनों ग्राउंडों में ये जो है मैच खेला जाएगा। फिलहाल दूसरा दिन है और कल जिस तरीके से 23 तारीख को जो है इसका अंतिम दिन रहेगा। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि खेल में भी गतिविधियां जो है काफी देखने को मिल रही है ठंड को लेकर के,
सभी ग्राउंड जो है वो बड़े पड़े हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच का हो या गोल्फ का हो, तो सभी में सभी जगह जो है ठंड को लेकर के लोग काफी जो है एकदम अच्छा यानी मान रहे हैं और खूब मजा कर रहे हैं। नवीन बिल्कुल, बहुत धन्यवाद लाला जुबीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने दिन भर का अपडेट्स दिया, आज क्या कुछ लौह नगरी जमशेदपुर में होगा खास। और सबसे बड़ी बात की झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है कि 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो बंद रहेंगी। बढ़ती ठंड को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।